बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। राकेश जी, इस आयोजन का क्या मतलब है? देखिए, जो तिरंगा किताबों में पढ़ी जाती थी और 26 जनवरी या 15 अगस्त को फहराया जाता था, उस तिरंगे को हर हिंदुस्तानी के दिल में लाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके द्वारा राष्ट्रवाद जो एक लेख बन गया था उसको जमीन पर उतारने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिरंगा की विरासत, जिस तिरंगा के कारण हजारों लोगों ने बलिदान दिया, लाखों लोगों ने त्याग तपस्या किया, उस तिरंगा के महत्व को पुनर्स्थापित करने का काम इस यात्रा के द्वारा और निरंतर तिरंगा को दिए गए महत्व के कारण हो रहा है। आप इस तिरंगा जो मैसेज है, इस मैसेज को लेकर कैसे जा रहे हैं जनता के? देखिए, तिरंगा का तात्पर्य स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना, उस विरासत को जानना, और कुछ लोगों के कि मैं जो स्वतंत्रता आंदोलन सिमट गया था उससे बाहर निकलकर रानी गढ़ेलियों के इतिहास को जानना, त्रिलोक सिंह के इतिहास को जानना, बिहार में जो 7 बच्चों ने शहादत दी थी उनके इतिहास को जानना, तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। और इसके लिए मैं श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ, जिन्होंने अपनी दृष्टि से इस देश में राष्ट्रवाद को इतिहास की किताबों से बाहर निकाल कर लोगों के बीच में, नई पीढ़ी के बीच में रखने का काम किया है। थैंक यू। तो ये थे राकेश सिन्हा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को लोगों के जहन में डालना चाहते हैं। संसद टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सोमन।